हाय गाइस, मैं हूं शार्दुल और आप लोग देख रहे हैं स्पॉट बॉय सब कुछ बॉलीवुड। आज है 31st और आई एम श्योर कि आप सबके पार्टी प्लान्स बन ही गए होंगे, है ना? जस्ट लाइक आप बी टाउन सेलेब्स, बट पार्टी शार्टी तो होती रहेगी यार। फिलहाल स्पॉट बॉय आपको ले जाएगा ऑन अ फ्लैशबैक राइड। शुरुआत करते हैं 2015 की मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंट्रोवर्सी से। कौन से स्टार्स ने क्रिएट की कैसे कंट्रोवर्सी, लेट्स टेक अ लुक। कंट्रोवर्सीज दैट रॉक्स 2015। From love stories gone wrong to actors bailing out of movies at the last minute, 2015 था एक ऐसा साल जिसमें controversies का बोलबाला था। और just as we make the switch to a spanking new year, Spot Boy ने compile की है ये super controversial list। संस्कारी censors, cut, cut, cut। ये साल था बेहद disappointing for filmmakers। बॉम्बे वेलवेट हो या NH10 या फिर प्रेम रतन धन पायो, पहलाज नहलानी के कट से बॉलीवुड था काफी डिसअपॉइंटेड। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड फिल्म्स में भी सेंसर बोर्ड वेंट चॉप चॉप चॉप। 50 शेड्स ऑफ ग्रे तो खैर इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई और जेम्स बॉन्ड फिल्म स्पेक्टर में थे कुछ रादर अनरीजनेबल कट्स। सलमान थ्रेटन्स AIB's तन्मय भाट। Feb 2015 में सलमान खान थे एक एंग्री यंग मैन। He was super ticked off by the nasty remarks made by AIB's तन्मय भट्ट about his little sister अर्पिता खान। वैसे AIB का ये रोस्ट कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट हो गया। अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और करण जौहर ने इस शो को होस्ट किया और ऑडियंस में प्रेजेंट थे काफी बड़े स्टार्स, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इवेंट ऑफ 2015। सलमान कन्विक्शन एंड एक्विटल ड्रामा। और फाइनली 13 साल के बाद सलमान खान वॉक्ड होम अ फ्री मैन। उनको हिट एंड रन केस में क्लीन चिट मिला एज 2015 केम टू एन एंड। इंडस्ट्री ने फुल पावर सेलिब्रेट किया और सलमान का तो खैर क्या बोलें, इनकी पार्टीज तो भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आमिर खान एंटर द इंटॉलरेंस डिबेट। लेट नवंबर में आमिर खान ने ज्वाइन किया इनटॉलरेंस पर हीटेड डिबेट। उन्होंने कहा कि वो और वाइफ किरण इतने परेशान थे विद द करंट सिनेरियो दैट किरण एक्चुअली थॉट कि शायद उन्हें कंट्री छोड़ के कहीं और सेटल हो जाना चाहिए। इट वाज लाइक आमिर हैड ओपन्ड अ कैन ऑफ वर्म्स। देयर वर प्रोटेस्ट्स एंड काउंटर प्रोटेस्ट।